नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आपको ऐसे आदमी से मिलाएंगे जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के यूथ आइकन हैं। अरुणाचल प्रदेश के ही नहीं बल्कि सारे हमारे पूरा भारत के हमारे यूथ आइकन हैं। जी हाँ, हम आपको मिलवाएंगे हमारे फॉर्मर इंडिया अंडर 23 नेशनल टीम गोलकीपिंग कोच और करेंटली वे अभी हेड ऑफ गोलकीपिंग कोच है रिलायंस फाउंडेशन यूथ चैंप के और साथ ही साथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कोच एजुकेटर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री गुम्प रीमे जी के। तो आज हम गुम्प रीमे को उन्हीं के प्लेस में मिलने आए हैं यहाँ में आलो के ये गो गाँव में। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सर आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। वैसे हमारा ये अरुणाचल वेस्ट न्यूज चैनल खास करके वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो के चैनल है, आलो बेस्ट चैनल है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ नया नया चीज़ दिखाएं। तो आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के लिए एक बहुत ही खुशी के दिन है क्योंकि आप जैसे नेशनल फिगर हमारे यूथ आइकन आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में मेहमान के रूप में आए हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका स्कूलिंग, आपका बचपन कहाँ में, आपका स्कूलिंग आप कहाँ से शुरू किया था? एल्ला एल्ला यार दूना काला काला यार दूना। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं फिलहाल मुंबई में बेस्ड हूँ, वहाँ पे रहता हूँ, लेकिन आलो का जो भी कुछ न्यूज़ वगैरह होता है आपके द्वारा हमें देखने को मिलता है, लाइव देखने को मिलता है वहाँ बैठे बैठे आलो का सब खबर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बचपन हम न्यू मार्केट में रहते थे, आलो में न्यू मार्केट, और मेरा स्कूलिंग हुआ है नेहरू मेमोरियल मिडिल स्कूल आलो से। फिर मिडिल स्कूल मैंने नेहरू स्कूल में मैंने कम्प्लीट किया, फिर वहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 8 to 12 मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल आलो में कम्प्लीट किया। ओके, तो सर आज आप रिलायंस फाउंडेशन के हेड कोच है, गोलकीपिंग के हेड कोच है, बहुत ही बड़ा पोस्ट में है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप आलो स्कूल से पढ़ाई करके इस लेवल तक पहुँचने का सफर जर्नी कैसे रहा, तो एक्सपीरियंस थोड़ा बता दीजिएगा। आप कैसे होके आप एक गांव से, एक बस्ती, एक टाउन, छोटा सा एक टाउन से मुंबई तक पहुँचाए? काफ़ी लंबा स्टोरी होगा वो, बट मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको बता सकूं। सबसे पहले तो मैं गुवाहाटी गया, हायर सेकेंडरी से निकलने के बाद मैं गुवाहाटी गया। तो गुवाहाटी में मेरा चयन हुआ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टैलेंट हंट प्रोग्राम में, तो वहाँ पे मेरा चयन हुआ और मैंने स्पोर्ट्स हॉस्टल में 3 साल मैंने ट्रेनिंग लिया। तो उसी दौरान मुझे नेशनल टीम का कॉल अप भी मिला भारतीय दल के लिए, तो वहाँ से मेरा चयन हुआ और मुझे इंटरनेशनल कंपटीशन में एशियन यूथ चैंपियनशिप के लिए जाने का मौका मिला। ओके, सो गुवाहाटी जाने के बाद ही मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला जी। ओके, थैंक यू सर। जैसे आलो बहुत दुख की बात है, आलो में अभी फिलहाल 2-3 साल बहुत सालों से स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है। तो लेकिन आलो को ऐसे सर एक ज़माना में ऐसे माना जाता है कि माना जाता था कि आलो भी एक फुटबॉल का एक ये है, आलो का हर उम्र के लोग, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सभी फुटबॉल प्रेमी हैं और यहाँ में बहुत सारा फुटबॉल प्लेयर्स भी निकलते हैं। लेकिन आज तक आलो से आपके लेवल तक, आप जहाँ तक पहुँचा है जैसे नेशनल लेवल तक या मुंबई बाहर बाहर स्टेट तक, आलो के खिलाड़ी अभी तक नहीं पहुँच पाया है, इसका सर क्या रीज़न हो सकता है? सिर्फ आलो से नहीं, मतलब बाकी बाहर डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत ही कम प्लेयर निकले जो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है। सो ये बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए। सो अब मैं फुटबॉल लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट में जो फुटबॉल खेलते हैं तो काफ़ी स्टेट है जहाँ से प्लेयर्स निकलता है और राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है जी। उस स्टेट का जो एक लीग स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया, ये दो स्टेट राज्य है जहाँ से काफ़ी प्लेयर निकलते हैं और ऊँचे लेवल तक खेलते हैं। सो वहाँ पे उनका स्टेट का एक लीग अच्छा चलता है, मणिपुर लीग चलता है और काफ़ी टूर्नामेंट्स होता है, क्लब कल्चर है वहाँ पे, तो जो हमारे अरुणाचल में नहीं है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हाल ही में लास्ट पिछले 3-4 सालों से अरुणाचल लीग का
शुरुआत हुआ है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसको समय लगेगा, मैं समझता हूँ ये इट्स अ प्रोसेस, उसको टाइम लगता है। तो लेकिन वो क्लब कल्चर होना ज़रूरी है और कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ में जो देखो तो देखा जाए तो सीजनल है, विंटर में सब क्रिकेट खेलने लगते हैं, समर में फुटबॉल खेलते हैं, रेनी सीजन में बैडमिंटन खेलते हैं। तो आपको एक गेम चुनना पड़ेगा जी। एक उम्र होता है, एक उस उम्र के बाद आपको उसी स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। वो चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे लोग सभी गेम खेलना चाहते हैं, ऑलराउंड बनता है। तो अगर आप एक गेम को चूज़ करके आप उसी पे उसी लाइन पे आप प्रशिक्षण अच्छे से लेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। वो चीज़ की कमी है हमारे यहाँ। ओके, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी के युवा स्पेशली यूथ्स के लिए, सर डिसिप्लिन कितना मायने रखता है इस फुटबॉल में और किसी भी खेल में? सबसे अहम चीज़ होता है ये एक स्पोर्ट्स एक इस मैं क्या बताऊँ ये आपको एक सेक्रीफाइस बहुत चाहिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सबको चाहिए आरामदायक सब लाइफ चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपना समय अनुसार जो भी आपका डाइट कब खाना है, कब रेस्ट करना है, क्या नहीं खाना है जी, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और रेगुलर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उस अगर ये चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आगे बढ़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीना। अगर आप स्पोर्ट्स में अगर आप जाना चाहते हो आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, इसलिए सर आपके लिए आप जैसे फिट रहने के लिए बहुत डिसिप्लिन मतलब होना पड़ेगा। जरूर जरूर। ठीक है सर, जैसे कि आपने कहा हमने कहा कोच आप एजुकेटर हैं रिलायंस फाउंडेशन के यंग चैंप के, तो ये एग्जैक्टली कोच एजुकेटर मतलब ये क्या होता है सर, मेरा व्यूअर्स को थोड़ा बता दीजिएगा। ओके, पहले तो बहुत लोग अभी भी समझते हैं कि मैं अभी भी एक प्लेयर हूँ। नहीं, एक ज़माना था हम भी खेलते थे, फिर उस एक समय आता है कि आपका शरीर उस लेवल तक नहीं रह जाता है, आपका फिटनेस लेवल कम हो जाता है धीरे धीरे उम्र के साथ। देन हम कोर्स करते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो कोच बन जाते हैं जी। तो अब बच्चों को सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है कोच बनने के लिए, आप कोच बन जाते हैं। फिर उन कोचेस को सिखाने के लिए भी एक प्रोग्राम रहता है, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। सो अब मैं कोचिंग के साथ साथ वो रोल भी निभाता हूँ कि कोचेस को भी ट्रेन करना कि बच्चों को किस तरह सिखाया जाए। ओके ओके, जो कोच को जो सिखाता है उसी को बोलता है मतलब कोच एजुकेटर। यस ओके ओके, तो सर अब आलो में आप क्लास 12 तक पढ़ा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप गुवाहाटी जाने से पहले यहाँ में DSA काफ़ी मशहूर था उस समय, तो आप DSA फुटबॉल कौन सा क्लब में खेलता था, कौन सा टीम में खेलता था? हमारे समय में एक बहुत ही मशहूर टीम हुआ करता था, टेन रेड। वो एक कुछ बस्ती गांव मिलके उनका गठन हुआ था, उबुबांगो टीम जिसको कहते हैं, वो टेन रेड। सो जब तक मैं यहाँ पे था हम इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, आई थिंक वी आर अनबीटन। सो बहुत ही अच्छा टीम हुआ करता था हमारा, काफ़ी स्टेट लेवल के प्लेयर निकले उस टीम से। सो लेकिन हमारे समय में जब DSA टूर्नामेंट हुआ करता था, हम साल भर हम उसका इंतज़ार करते थे, एक फेस्टिवल की तरह हुआ करता था, सभी लोगों को इसका इंतज़ार रहता था। और ये एक महीना चलता था और मतलब जो एनर्जी लेवल इसमें देखने को मिलता था और बहुत सारे प्लेयर्स अब स्टेट के लिए खेले हैं इस टूर्नामेंट की बदौलत। जी जी सर, आपने सही कहा है, एक समय DSA को हर धर्म के लोग फेस्टिवल मानते थे, तो हमारा बचपन में भी हम उसे फेस्टिवल की तरह इन्जॉय किया है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है आज आलो में ग्राउंड नहीं है। तो एनीवे सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप जब यंग में आप जब स्कूल में था स्टूडेंट था जब खेलते थे, तो आप एक ऐसा नाम बताइए जिसको आप देख के लगता था कि हाँ ये एक ऐसे खिलाड़ी है, आपसे आपका सीनियर क्लियर लोकल आलोक वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, आप ऐसा कौन सा खिलाड़ी को याद है जो उस समय आपका चोटा में मतलब बहुत ही खतरनाक खेलता था और जिसको आप मानते थे? ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, बट खास तौर के आपके पिता श्री मुग्धोदत्त जी, वो उनको देख के हम मतलब बहुत एक मोटिवेट हुआ करता था। ऑल्दो उनका पोजीशन अलग है, वो स्ट्राइकर खेलता है, उनका जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी वो एक काफ़ी ऊंची दर्जे का एक खिलाड़ी था। वो भी शायद उस ज़माने में कोई एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलते तो शायद वो भी बहुत आगे जाते, वो बहुत ही टॉप लेवल का खिलाड़ी था। तो उनको हमने बचपन में बहुत देखा और साथ ही साथ और भी कुछ खिलाड़ी थे जैसे स्वर्गीय तोलिदो जी,
जी और कर्तगत जी, इनको देख के हम लोग, मैंने उनको देखने के लिए हम लोग लाइन लगाते थे ऐसे था, तो बहुत मोटिवेशन मिलता था उनको देख के कि ना हम भी इनकी तरफ प्लेयर बने। ओके, तो सर जैसे आपने नाम लिया मेरा पिता का, पिताजी का, मुग्धवत जी का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मौका का फायदा उठाते हुए, आपको ऐसे लगता है अगर मुग्धो को सही प्लेटफॉर्म मिलता तो आज इंटरनेशनल को छोड़ दीजिए ISL तक खेल पाता था? आई भी कुरता रुकुमा, दुनिया कुरता रुकुमा। जरूर जरूर पॉसिबिलिटी क्यों नहीं। उस वक्त नेशनल लीग जो होता है, आज के ज़माने में हो रहा है नेशनल लीग में, आई लीग है, इंडियन सुपर लीग है, उस समय ऐसे लीग नहीं हुआ करता था जी। और ख़ासतौर पर हमारे हमारे जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसका नेशनल फेडरेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं था उस वक्त। नेशनल फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं था तो हम लोग सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही खेलते थे जी। सो नॉर्थ ईस्ट के बाहर खेलने नहीं जाते थे। ओनली जैसे सुब्रतों का स्कूल टूर्नामेंट होता था जी। उसी दौरान अगर स्टेट में चैंपियन हो गया तो आप दिल्ली जाने का मौका मिलता था आपको जी, जी। तो बाकी और कोई नेशनल लेवल में खेलने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। तो आज के ज़माने में होता तो डेफिनेटली उस ज़माने में जिस तरह का खेल का प्रदर्शन वो करते थे, मैं समझता हूँ डेफिनेटली वो आज बहुत ही अच्छे लेवल में खेलते थे। ओके, थैंक यू। तो सर फाइनली अभी यूथ्स के लिए आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये फुटबॉल एज ए कैरियर एक स्कोप किस लेवल तक है? कोई अगर लड़का डिसिप्लिन के साथ खेलता, डेडिकेटली खेलता, तो उसके लिए स्कोप कैसे रहेगा? स्कोप आप थोड़ा बता दीजिएगा फुटबॉलर्स के लिए। देखिए, और सर कितना उम्र से आप डेडिकेटली खेलना शुरू करना पड़ेगा? जैसे एक कहावत है, फुटबॉल स्टार्ट्स एट होम। तो और जैसे ट्रेनिंग एज और बायोलॉजिकल एज में जो एक फ़र्क होता है उसको समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ में काफ़ी लेट स्टार्ट होता है फुटबॉल। जैसे अब साउथ लैटिन कंट्रीज़, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ और यूरोपियन देशों को आप देखेंगे तो वहाँ के बच्चे 2-3 साल से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही कम उम्र में उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। तो बाय द टाइम वो 10-11 साल का होता है तो वो 8 साल फुटबॉल खेल चुका होता है। और हमारे बच्चे 8-10-11 साल में स्टार्ट करते हैं, तो मतलब 8-9 साल उनसे पीछे और उसी लाइन पे हम हो जाते हैं। तो वो एक कारण है जो हमारा जो डिसबैलेंस जो होता है और ये जो कम उम्र में अगर हम यहाँ में जैसे टूर्नामेंट होता है DSA होता है, बच्चों का टूर्नामेंट कहाँ होता है जी? अब बाहर आजकल जूनियर टूर्नामेंट तो होता नहीं है। आजकल आप सिटीज में देखोगे या बाहर देखोगे, Under 8, Under 10, Under 12, Under 14 इस एज कैटेगरी का टूर्नामेंट बहुत सारा होता है। तो बच्चे बहुत सारा गेम्स खेलते हैं जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए भी एक टूर्नामेंट और आयोजन किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ सीनियर लेवल पे। सो कम उम्र से ही उनको कॉम्पिटिशन मिलेगा तो बच्चे का डेवलप एज ए स्पोर्ट्समैन उनका डेवलपमेंट बेटर हो सकता है। तो सर कहीं ना कहीं हमारा समाज और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट जरूरी है इसमें। हर एक चीज़ को हमको सरकार को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ कुछ काफ़ी चीज़ होता है, पेरेंटल सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। जैसे आजकल शहरों में आप देखोगे या बाहर विदेशों में देखोगे तो पेरेंट्स बहुत इनकरेज करते हैं बच्चे को, यंग एज में फुटबॉल स्कूल्स बोलते हैं जिसमें पेरेंट्स बच्चे के लिए पे करके बच्चे को एकेडमी में डालते हैं कि मेरे बच्चे को खेला जी जी, इसलिए नहीं कि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाए। क्योंकि अगर फुटबॉल के द्वारा बहुत कुछ सीखता है बच्चे, ग्राउंड में डिसिप्लिन सीखता है, टाइम टेबल मेंटेन करना सीखता है और लाइफ स्किल सिखाया जाता है उस दौरान उस एज में। तो अगर बच्चा अगर पिकअप करके अच्छा प्लेयर बन गया और अच्छा लेवल तक खेलने चला गया, दैट्स अ बोनस फॉर पेरेंट्स। अदरवाइज पेरेंट्स के लिए एक बच्चे को एक डिसिप्लिन लाइफ सिखाने में फुटबॉल बहुत मदद करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी बच्चों को एनकरेज करें स्पोर्ट्स में, बचपन से डालें तो अच्छा आदत बचपन से ही बनेगा। आप आजकल हमको बहुत सुनने में मिलता है, मैं यहाँ बहुत कम रहता हूँ तो देखा नहीं है लेकिन सुन के बुरा लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल ड्रग्स का इन्फ्लुएंस में है और बैड हैबिट्स में काफ़ी लोग है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गया है। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यंग एज में अगर नहीं होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो वो कहीं ना कहीं खाली दिमाग, जैसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जैसे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो उनको नहीं भटकने के लिए इस चीज़ का शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे अभी ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है कहना गलत होगा, काफ़ी ग्राउंड है आलोंग में, छोटे छोटे ग्राउंड है, स्कूल ग्राउंड है, बहुत सारे ग्राउंड है, जगह जगह पर कहीं भी खेल सकते हैं आप। पेरेंटल सपोर्ट
इज़ द की। अगर पेरेंट्स अगर बच्चे को आप अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अपने में व्यस्त रहेंगे, तो बच्चे का बिगड़ना तय है। जी ठीक है। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, आप कौन कौन सा, अभी कोचिंग को छोड़ दीजिए, कोच की बात नहीं कर रहे हैं, एज ए प्लेयर आप कौन कौन सा लेवल में खेला है? सबसे पहले तो मैं गुवाहाटी में जाके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैंने स्पोर्ट्स हॉस्टल में ज्वाइन किया, और गुवाहाटी में एक दो साल मैंने गुवाहाटी फर्स्ट सुपर डिवीज़न लीग जो गुवाहाटी में होता है उसमें मैंने खेला। मेरी शुरुआत हुई थी राइजिंग 11 क्लब से गुवाहाटी में। ओके। तो राइजिंग 11 में खेला, फिर महाराणा एसी महाराणा एथलेटिक क्लब वहाँ पे खेला, फिर मुझे मेरा चयन हुआ नेशनल टीम के लिए, मैं बहरीन जाने का मौका मिला मुझे अंडर 19 एशियन यूथ चैम्पियनशिप के लिए। ओके। उसके तुरंत पश्चात जैसे मैं वापस आया तो मुझे एक जॉब मिला नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड मार्गरीटा में भेज दें। तो मेरा ऑफर आया हुआ था दो तीन जगह से, जैसे गुवाहाटी में रेलवेज में जॉब का ऑफर था और मार्गरीटा में जॉब का ऑफर था। तो मार्गरीटा आलो से नज़दीक पड़ता है, इसीलिए मैंने मार्गरीटा का चूज़ किया। तो वहाँ पे कुछ महीना रहा मैं, तो 6 महीने करीब मैं वहाँ पे जॉब में था, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है CIL कोल इंडिया लिमिटेड में। ओके। फिर उसके बाद मुझे अंडर 20 नेशनल टीम का कॉल अप आया बैंगलोर में। जैसे मैं बैंगलोर गया कैंप में तो मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने महिंद्रा ने मुझे इन्विटेशन दिया उनके क्लब में ज्वाइन करने के लिए। तो फिर वो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था, तो मैं पलट कर नहीं देखा और मैं वहीं से मेरा प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुआ 1995 में। ओके। आप इंडिया के लिए सर अंडर 19, अंडर 21, अंडर 23 तक मैंने खेला। ओके ओके। तो सर कौन कौन सा कंट्री में, आउट कंट्री में आपने खेला है? जैसे मैंने खेला, ये पहला मौका मिला था बहरीन जाने के लिए। ओके। और फिर मुझे उज़्बेकिस्तान जाने का भी मौका मिला, और एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे हमने बेलारूस का भी दौरा किया जी। और एज ए कोच यूरोप जाने का भी मौका मिला। ओके। काफ़ी और जगह था जहाँ पे फुटबॉल की बदौलत मुझे घूमने का मौका मिला। ओके थैंक यू। करेंटली आप हेड कोच है गोलकीपिंग का रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये रिलायंस फाउंडेशन हम काफ़ी देखते हैं टीवी में, ये अंबानी मैडम लोग को काफ़ी हम लोग देखते हैं, फाउंडेशन बहुत ही प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को, सचिन तेंदुलकर के साथ बहुत ऐड आते हैं। उस क्लब का, उस फाउंडेशन का आप हेड कोच है गोलकीपिंग का, तो हमारे लिए स्पेशली पूरा अरुणाचल के लिए और खास करके हम आलो के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। रियली हम प्राउड करते हैं आप गुमपरी में हमारे आलो के हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा वहाँ पर किस तरह का कोचिंग करते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा हमारे आलो से अगर कोई इंटरेस्टेड है आपके फाउंडेशन में आपके उधर कोचिंग लेने के लिए, कोई पेरेंट्स मेरा ये चैनल को देख इनमें से कोई अगर एक दो पेरेंट्स को भी अगर ऐसा लगता है कि रीमस साहब से हम कॉन्टेक्ट करके बच्चों को उधर हम मुंबई में आपके फाउंडेशन में आपके एकेडमी में रखना चाहते हैं, उसको आप क्या क्या एडवाइस देंगे? सॉरी सबसे पहले बात तो जैसे रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप्स ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडियन सुपर लीग जब शुरू हुआ तब एज ए मॉडल एकेडमी, तो इंडियन सुपर लीग क्लब के लिए जितने भी क्लब्स हैं उनके लिए एकेडमी कैसे रन किया जाए जी। तो उसके लिए ये एज ए मॉडल एकेडमी स्टार्ट किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रोग्राम बढ़ता गया, एक एज ग्रुप से दूसरा, दूसरा से तीसरा करते अभी काफ़ी साल हो गए हैं और एकेडमी अभी कंटिन्यू चल रहा है। और नॉट ओनली एकेडमी, हमारे तरफ से इंडियन सुपर लीग की तरफ से ये हीरो ISL चिल्ड्रंस लीग बच्चों का लीग का भी शुरुआत हुआ है। तो काफ़ी दरख्वास्त करने के बाद अरुणाचल में भी दो जगह पे इनका मतलब एक सेटअप हुआ है, एक ईटानगर में और एक पासीघाट में। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के चलते ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट उम्मीद है कि जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो ये चीज़ कंटिन्यू होगा। जैसे इसमें हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे को नहीं सिखाते हैं, बच्चे को गेम खिलाते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, 2-3 महीने कंटिन्यू गेम खेलने का मौका दिया जाता है, तो वहाँ से ही बच्चों का चयन होता है जी। तो हमारे काफ़ी स्काउट्स है ऑल ओवर इंडिया, तो
बासर में जैसे एक एकेडमी है जीआरके एकेडमी, जी जी, तो वहाँ से भी एक बच्चे को हमने सिलेक्शन किया था, तो मुंबई उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए भी बुलाया, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल सिलेक्शन में वो पार नहीं कर पाया, तो अदरवाइज हमारे यहाँ से भी एक बच्चा आज रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप में होता जी। तो वो एक मेरा सपना है कि हमारे यहाँ से भी एक कोई एक अरुणाचल से कोई एक बच्चा वहाँ पे भी ट्रेनिंग का मौका मिले। तो वहाँ पे इट्स रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो जहाँ पे हम ऑल ओवर इंडिया से बच्चे का चयन करते हैं जी। उसके बाद उसको सेलेक्टेड बच्चों को हम मुंबई लेके आके वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। सर वहाँ पे कौन सा एज से आरंभ करता है, शुरू करता है एडमिशन का? एडमिशन प्रोसेस हमारा सिलेक्शन शुरू होता है अंडर 12 से। अंडर 12 मतलब 11 साल के बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। बहुत ही कम उम्र में हम बच्चे को लाते हैं, तो उसमें बहुत चीज़ में उनका ट्रेनिंग होता है, उनका अपार्ट फ्रॉम एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है, जैसे सिर्फ खेल कूद नहीं, उनके स्कूलिंग का भी ख्याल रखा जाता है और उनका जो सोशल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ख्याल रखता है। तो हमारे वहाँ में जैसे मेंटल कोच बोलते हैं जिसको, जैसे साइकोलॉजिस्ट रहता है, काउंसलिंग किया जाता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे उस उम्र में अपने मम्मी पापा के गोद में मतलब मोस्टली समय बिताते हैं, बट वो उस कम उम्र में बच्चे को ला के वहाँ में रखना भी काफ़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो रिलायंस फाउंडेशन इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह निभा रहा है और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं जी। ठीक, तो सर जैसे कि आपने भी कहा हर चीज़ का एक उम्र होता है, खेलने का भी एक उम्र होता है। आप खेल से एज ए प्लेयर रिटायर होने के बाद आप अभी कोच में हैं, तो अभी कोच से भी आगे बढ़ के फिर कोच को कोचिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस कोच को कोचिंग करने का जो कोच का एजुकेटर है, उससे आप रिटायर होने का बाद आपका सेकेंड इनिंग थर्ड इनिंग प्लान में जानना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आलो के लिए स्पेशली आप रिटायर होने का बाद के आलो में रहने का प्लान, और अगर आलो में अगर सेटल होता है तो आपका भी कोई सपना या कोई ऐसे कोई ड्रीम है जो एक एकेडमी खोलने का या हमारे बच्चों को कोचिंग करने का, सर थोड़ा बता दीजिएगा। मैं समझता हूँ मैं एक हैप्पी गो लक्की पर्सन हूँ, मैं बहुत ही आगे का प्लान नहीं करता हूँ जी। जैसे समय अब जैसे जैसे चलते जाता है, हर एक पड़ाव में कुछ ना कुछ आपके लिए एक सरप्राइज आता जाता है, तो पहले से कुछ चीज़ मैंने प्लान करके नहीं रखा है कि इसके बाद मैं ये करूँगा जी। तो बस जैसे एज ए प्लेयर खेलता था, उसके बाद रिटायर हुआ, कोचिंग में आ गया जी। फिर कोचिंग करते करते मैं अभी भी कोचिंग कर रहा हूँ और साथ साथ में कोच एजुकेटर भी बन गया। इसके आगे भी शायद करते कोच एजुकेटर बनते बनते इसके आगे भी कुछ और अगर मैं अगर ऊपर वाला साथ दे तो शायद और कुछ और बन जाए जी। अगर हाँ अंत में डेफिनेटली एक अपना जो गांव है वहाँ पे से भी रिटायरमेंट के बाद सबको एक मैं क्या बोलूँ मतलब एक प्लान नहीं लेकिन वो एक डेस्टिनी है, यू हैव टू कम बैक टू योर ओन प्लेस। वो तो वापस आना ही है, यहाँ आने के बाद डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगर कल को मैं सेटल हो गया, तो डेफिनेटली मैं कोशिश यही करूँगा कि बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को एकेडमी के द्वारा फुटबॉल सिखाने का डेफिनेटली कोशिश करूँगा जी। तो सर अंत में मैं आपका पर्सनल लाइफ में थोड़ा जानना चाहूँगा, आपका शादी कब हुआ और सर आपका कितना बच्चा है? हमारे आलो स्पेशली आलो के लोग जैसे ही पता चला कि आपको हम कुछ इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो इस आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके फ्रेंड्स लोग जानना चाहते हैं। मैं मुंबई में काफ़ी साल रहा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में खेले, BMFC में खेले, तो अब फिर वापस जाके मुंबई में अभी फिर से एज ए कोच मुंबई में हूँ। तो इतने साल अगर मुंबई में रहा जी तो खाली हाथ तो कैसे जा सकता जी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वहीं से शादी कर लूँ। ओके, तो मेरी धर्मपत्नी है पायल रीमा, पायल सोहनी रीमा, अभी रीमा हो गई है जी। तो वो मुंबई की है जी। और मैं काफ़ी सपोर्टिव है मेरे खेल जीवन में जी। जैसे कहा जाता है कि पीछे कोई ना कोई रहता है जी, तो मेरे सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, तो मेरे स्पोर्ट्स जर्नी में काफ़ी मतलब मेंटल सपोर्ट जो भी है, जो मेंटल सपोर्ट जो मिलता है वो मेरे वाइफ ने मुझे दिया। सो और मेरे दो बच्चे हैं, दो बेटियां हैं, तो एक दो बड़ी बेटी है पैगाम रीमा, अभी 18 साल की हो गई है, और छोटी है पई रीमा, वो है अभी
12 साल की, अभी 13 होने वाली। सर वो दोनों भी मुंबई में पढ़ रही है? दोनों मुंबई में थी। पहले तो हम शिलोंग में काफ़ी साल रहे, तो बच्चे का स्कूलिंग शिलोंग से शुरुआत हुआ, फिर हम मुंबई चले गए, तो मुंबई में स्कूलिंग हुआ। और बड़ी वाली अभी ईटानगर में है, उनको हॉस्टल में बोर्डिंग में रखा है ईटानगर में, और छोटी वाले अभी भी मुंबई में। तो थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को दिया, उसके लिए थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह पित रहे और हमारे अरुणाचल के नाम को हमेशा आगे रोशन करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके माध्यम से हमको बहुत दूर में रहते हुए भी आलो का हर एक इवेंट्स का पता चलता है, वहाँ बैठे बैठे मुझे सारा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आप इस अच्छा काम को आप जारी रखिए। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को कि आप बहुत आगे जाए और इस जो मंच को आप बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाए, और हमको भी जो भी अरुणाचल के जो आलो के जो वासी है, जो भी बाहर रहते हैं, उनको बाहर बैठे बैठे अपने घर का नज़ारा मिले। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।